नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए एक खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे नए YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे GOVPVT YouTube चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को दी राहत, सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। पटना हाई कोर्ट ने सभी नियोजित शिक्षकों के मांग को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारण करने के लिए सरकार में बने हुए 6 सदस्य समिति के क्रियान्वयन की मांग पर फैसला सुनाया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जल्द सेवा शर्त लागू करने की अपील की है। SSC ने जारी की परिणाम घोषित करने की तारीख। SSC ने विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तारीख जारी कर दी है, जिसके तहत SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2 मार्च से 11 मार्च 2020 तक आयोजित की जाएगी, वहीं संयुक्त उच्चतर माध्यमिक 16 मार्च से 27 मार्च 2020 में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा SSC जूनियर इंजीनियर 30 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी, वहीं SSC CAPF 2020 का नोटिफिकेशन 17 अप्रैल को जारी किया जाएगा, वहीं परीक्षा 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए निकाली रिक्तियां। पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कुल मिलाकर 27 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 7 वर्ष का के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक वकील को पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 24 मामलों में उपस्थिति होने का रिकॉर्ड दिखाना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 मार्च तक पटना हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार पुलिस कैंडिडेट्स के कई एप्लीकेशंस हुए कैंसिल। बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली परीक्षा के लिए आवेदन भरने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। हाल ही में बिहार पुलिस ने ऐसे आवेदकों के फॉर्म को कैंसिल कर दिया है जिनके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि देखी गई हो, जिसके तहत अब तक विभाग ने 1290 उम्मीदवारों के आवेदन को कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें, बिहार पुलिस ने 1722 खाली पदों के लिए पिछले साल नवम्बर में आवेदन की मांग की थी। CBSE की परीक्षाएं आज से होंगी शुरू। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी। जहां पर केवल पटना जोन की बात करें तो इस साल यहां से लगभग 3 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही CBSE ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए 372 केंद्रों का चयन किया है, जहां पर तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों को 10:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के समय से पहले आने का निर्देश जारी किया गया है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में कम हो गई पदे। प्रशासनिक पदों पर चयन के लिए होने वाली देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा के लिए 796 पद विज्ञापित किए गए थे। संघ लोक सेवा आयोग 2020 में पदों की संख्या 2019 की परीक्षा की तुलना में 100 कम है। IAS, IPS, IRC सहित अन्य प्रशासनिक पदों पर चयन के लिए होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 3 मार्च की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 2020 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होगी। इसकी मुख्य परीक्षा 18 सितंबर से आयोजित की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं के बाद अब आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा स्मार्टफोन। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार की आशा दीदी के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने महिला विकास प्रक्षेत्र के लोगों के साथ बजट पूर्व परिचर्चा के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य की 1,762 आंगनबाड़ी सेविकाओं के बाद अब आशा कार्यकर्ताओं को भी स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11 रजिस्टरों को मेंटेन करने के बजाय अब स्मार्टफोन के जरिए डेटा एंट्री करना होगा। 52 बीएड कॉलेजों की मान्यताओं पर उठ रहे हैं सवाल। बिहार से बीएड की पढ़ाई कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी बीएड की पढ़ाई बिहार के किसी कॉलेज से कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि जल्द ही बिहार के लगभग 52 कॉलेजों की मान्यताएं खत्म की जा सकती है। NCET ने हाल ही में राज्य के निजी और सरकारी कॉलेजों की मान्यताओं को बनाए रखने के लिए मानकों पर 2 चरणों का आकलन कर लिया है, जिसके बाद PU के स्नातक के शिक्षा विभाग समेत 5 अन्य बीएड कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई है। वहीं 21 शेष कॉलेजों को नोटिस भेजा जा चुका है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे बलदेव मिश्रा की। बलदेव मिश्रा का जन्म बिहार के बनगांव में 1 नवंबर 1890 में हुआ था। ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्रा 20वीं शताब्दी में मैथिली साहित्य के विपुल लेखक थे, जिन्होंने अपनी मातृभाषा मैथिली में कई विषयों पर विस्तार से लिखा। मैथिली के अलावा उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिसमें गणित, ज्योतिष, दर्शन और इतिहास के संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, बिहार में इनके कामों का वर्णन बिहार रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रकाशित तिब्बती पाली प्राकृत श्रृंखला में 27 पुस्तकों में किया गया है। दिल्ली में रह रहे बिहार के बिहार बोर्ड के छात्रों को अब नहीं लगाने होंगे बिहार के दौड़।
बिहार बोर्ड से परीक्षा देकर दिल्ली में जाकर अपने आगे की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दिल्ली में ही बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, जिससे कि अब छात्रों को अपने किसी भी दस्तावेज या किसी भी काम के लिए बार बार दिल्ली से बिहार के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपको बता दें, दिल्ली में बना यह नया कार्यालय नई दिल्ली के विकासपुरी में साइट 1 के 610 सेकेंड फ्लोर पर खोला गया है। आधार कार्ड के बाद अब जमीनों की भी होगी यूनिक आईडी। आधार कार्ड के जरिए हर इंसान को यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी देने के बाद अब बिहार सरकार जमीनों को भी यूनिक आईडी नंबर देने वाली है, जिसके तहत अब जल्द ही सभी जमीन मालिकों को 17 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसकी मदद से अब आम नागरिक आसानी से अपनी जमीन संबंधी जानकारी ले सकते हैं। अभी फिलहाल यह यूपी में 16 डिजिट आईडी के साथ लागू कर दिया गया है, वहीं अब बिहार में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। सिवान के मैरवा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इष्टदेव बाबा हरिराम ब्रह्मा की नगरी मैरवा धाम में बाबा हरिराम के दर्शन के बाद ही मैरवा में कार्य प्रारंभ होते हैं। चैत्र रामनवमी पर एक माह के मेले एवं नवरात्र पर ही श्रद्धालु देखने को मिलते हैं। जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए विभिन्न प्रांतों से भी भक्तगण आते हैं। कनकगढ़ के राजा कनक सिंह दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास का आगमन हुआ। चंद्रिका राय कभी भी हो सकते हैं जदयू में शामिल। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने जदयू में शामिल होने की बात कही है। उन्होंने ये दावा किया है कि राजद के कई विधायक पार्टी से नाखुश चल रहे हैं, ये लोग जल्द ही पार्टी छोड़ेंगे। मुझे भी जदयू से परहेज नहीं है, मैं जल्द ही जदयू में शामिल हो सकता हूं। अपने दामाद का चुनाव में विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ जायज है। जब उन लोगों ने मेरे और मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचा तो मुझे क्या परहेज होगा। बेगूसराय स्टेशन पर गिरिराज सिंह ने फहराया 100 फीट का झंडा। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने हाल ही में बेगूसराय जंक्शन पर लगभग 100 फीट का झंडा फहराया है। वहीं आपको बताते चले, झंडा फहराने के पहले आरपीएफ द्वारा फुल ड्रेस रिहर्सल में झंडे को सलामी देने का अभ्यास किया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुद ही ट्वीट करके बेगूसराय जंक्शन पर झंडा फहराने की जानकारी दी है, जिसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि स्टेशन का यह सबसे ऊंचा तिरंगा शहरवासियों को और साथ ही साथ आने जाने वाले राहगीरों को देश की गौरव गाथा की याद दिलाता रहेगा। लीची की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर का लीची अपने बेहतरीन स्वाद और मिठास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन लीची के परंपरागत बागान में उत्पादकता कम होती जा रही है। पटना में गुरुवार को कोका कोला इंडिया, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची NRCL, देहात और केडिया फ्रेश के साथ मिलकर बिहार में उन्नति लीची को लॉन्च किया गया है, जिससे कि बिहार के 3 जिलों में अगले 3 वर्षों में लीची का उत्पादन दुगना हो जाए और साथ ही इसके लिए मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी हिंदी विभाग में बनेगा दिनकर उद्यान। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पीजी के हिंदी विभाग में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके तहत इस विश्वविद्यालय में जल्द ही रामधारी दिनकर सिंह के नाम पर उद्यान बनवाने पर काम किया जा रहा है, जहां पर पौधे और फूलों का समायोजन किया जाएगा। साथ ही विभाग के बाहर पोर्टिको में राष्ट्रकवि की प्रतिमा की भी स्थापना करवाई जाएगी, क्योंकि वो रामधारी सिंह दिनकर ही थे जिन्होंने हिंदी विभाग को समृद्ध बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए थे। गांधी सेतु पुल के समानांतर में जल्द ही बनेगा एक और नया पुल। गंगा से उस पार आए दिन सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। जल्द ही पटना के गांधी सेतु पुल के समानांतर में एक और नए पुल का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे कि आम नागरिकों को आने जाने में काफी ज्यादा सहूलियत होगी और साथ ही गांधी सेतु पुल से भी वाहनों के भार में गिरावट आएगी। खबरों की माने तो हाल ही में बिहार सरकार ने 2900 करोड़ की लागत में बनने वाले 6 लेन पुल के निर्माण के लिए टेंडर की स्वीकृति दे दी है। राज्य 23 फरवरी से शुरू करेगी बेरोजगारी हटाओ यात्रा। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब CAA के बाद बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाली है, जिसका नेतृत्व राजद नेता तेजस्वी यादव खुद करने वाले हैं। पटना के BVC कॉलेज से शुरू होने वाले इस बेरोजगारी हटाओ यात्रा का आह्वान 23 फरवरी से होगा। इतना ही नहीं, शुरू होने वाले इस यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा भी कर दी थी। प्रशांत किशोर ने राजद में शामिल होने के अटकलों पर लगाया ब्रेक। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत से फिर से सुर्खियों में आए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उनके फिर से बिहार की सियासत में उतरने और राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस में उनके जाने कि चल रही चर्चा को सिरे से नकार दिया है। प्रशांत किशोर ने IANS से बातचीत में कहा है कि यह सब बेकार की बात है, मैं 18 फरवरी के बाद ही इन मुद्दों पर बात करूंगा, कृपया अटकलें ना लगाएं। कुशवाहा ने की शरद यादव को बिहार में महागठबंधन का चेहरा बनाने की मांग। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी महागठबंधन दल के नेता से शरद यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आज लालू यादव रिम से बाहर होते तो शरद यादव को महागठबंधन का नेता बनाने की कोई मांग नहीं उठती, मगर अब जब वो नहीं है तो ऐसे में उनकी जगह पर शरद यादव जैसे किसी मजबूत चेहरे की ही जरूरत है।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री के पोते ने थामा राजद का हाथ। बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके श्री बाबू के पोते ने राजद का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी उन्हें सदस्यता दिलवा दी है। सदस्यता के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी से संबंधित जिम्मेदारी भी सौंप दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में राबड़ी आवास पर हुए प्रदेश कमेटी की बैठक में अनिल कुमार सिन्हा को सदस्यता दिलवाई गई है। सुरेश रैना ने धोनी को माना ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन। एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को सबसे ऊपर रखते हुए उन्हें ऑल टाइम बेस्ट कहा है। उन्होंने धोनी को अब तक का श्रेष्ठ भारतीय कप्तान भी बताया है। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे ही सही मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस होगी। अगर धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावनाएं हैं, मगर कुछ जगहों पर बादल के छाने से ठंड में इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,600 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,214 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.76 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 69.50 रुपए प्रति लीटर था। बिहार में होगी सारा अली खान और अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म की रिकॉर्डिंग। लव आजकल के बाद सारा अली खान अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो गई है, जिसके तहत अगले महीने से वो अक्षय कुमार के साथ अपनी रिकॉर्डिंग के लिए बिहार में आने वाली हैं। खबरों की माने तो ये सभी अभिनेता अतरंगी रे के लिए बिहार में आ रहे हैं, जिसकी जानकारी फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाली यह फिल्म इन तीनों ही कलाकारों के किरदारों की भावनात्मक सफर की कहानी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है प्रमोद यादव, विकास सिंह, फरियाद आलम, अमन, विपेश बाबू, यदुवंशी, प्रिंस कुमार, विवेक कुमार, सुधीर कुमार, दीपक कुमार, कमल हैदर अली। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा तेजस्वी यादव की जगह शरद यादव को महागठबंधन का नेता बनाने की मांग पर आपका क्या कहना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।